हेलो दोस्तों, स्मार्ट काउंटिंग आरसनआर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहन सुथार। तो दोस्तों, आज की वीडियो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाली है कि जो स्टूडेंट्स अकाउंट वर्क को सीखकर कंपनियों में अकाउंटिंग की जॉब करना चाहते हैं या फिर अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके माइंड में एक बहुत बड़ा सवाल रहता है कि मैं कॉमर्स का स्टूडेंट नहीं हूँ या फिर मैं किसी एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं, तो ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल का काम है। या फिर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी होंगे, नॉन कॉमर्शियल स्टूडेंट, जिन्होंने अकाउंट सीखने की कोशिश तो करी, लेकिन जिस इंस्टीट्यूट पे उन्होंने एडमिशन लिया अकाउंट सीखने के लिए, वहाँ पर उन्हें प्रैक्टिकल रूप से अकाउंट न सिखाकर केवल बुक्स नॉलेज ही दिया गया, या फिर शुरुआत यानी कि पहले दिन से उनकी एडवांस लेवल की क्लासेस स्टार्ट कर दी गई, जो कि एक फ्रेशर स्टूडेंट्स या नॉन कॉमर्शियल स्टूडेंट के लिए उसको समझना बहुत ही मुश्किल का काम होता है। तो दोस्तों, अब आपको इस चैनल के माध्यम से बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करते हैं, लेजर कैसे क्रिएट किए जाते हैं, वाउचर्स की एंट्री कैसे की जाती है, तो ये सब कुछ आपको प्रैक्टिकली रूप से बताया जाएगा। यानी कि जब भी आप किसी शॉप पे, किसी कंपनी में अगर आपको अकाउंटिंग वर्क करने को मिले, तो वहाँ पर आपको कौन कौन से वाउचर मिलेंगे, उस वाउचर्स को देख के आप कैसे पहचान करोगे भी ये वाउचर कौन से वाउचर में इसकी एंट्री करनी है। तो दोस्तों, इस चैनल पर आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक टेली के सारे वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड किए हुए हैं। अगर आप टेली सीखना चाहते हो तो आप हमारे टेली के वीडियो भी आप ज़रूर देखें। तो अब हम इस चैनल पर बिजी सॉफ्टवेयर की एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि हमारी टेलीविजी मार्ग अकाउंटिंग और टैक्सेशन से नई नई जो भी अपडेशन रहेगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, जब बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को हम ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का लेआउट हमारे सामने ओपन होकर आएगा बिजी सॉफ्टवेयर का। तो इसमें आप देख सकते हो, यहाँ पे ये बिजी 18 यहाँ पर लिखा हुआ, तो ये इस सॉफ्टवेयर का वर्जन है और ये इसका रिलीज है 5.1 का। तो दोस्तों, जैसे जैसे ये अपडेशन होता रहता है, यहाँ पर इसकी रिलीज भी हुई चेंज होती रहती है। आज ये 5.1 है, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम ये 5.2, 5.3, 5.6 या 6.1 ये चलता रहेगा, जैसे जैसे इसमें नई नई अपडेशन आती रहेगी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, सबसे पहले हम इस सॉफ्टवेयर में बिल्कुल जीरो लेवल से, यानी कि हम एक ग्रामीण स्टूडेंट्स की समस्या को देखते हुए इस वीडियो को हमने तैयार किया है बिल्कुल इजी तरीके से, ताकि एक हर स्टूडेंट के ये समझ में आ जाए कि हम जीरो लेवल से यानी कि बेसिक से एडवांस लेवल की शुरुआत हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक पे ही ज़्यादा ध्यान देंगे, ताकि हम एडवांस लेवल की तरफ हम जाएंगे तो हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, जब भी हम कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो सबसे पहले हम कंपनी को क्रिएट करते हैं। अब कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है, कंपनी का मतलब क्या होता है, ये भी हम समझेंगे। तो इसमें आप देख सकते हो, ओपन कंपनी, क्रिएट कंपनी, बैकअप डाटा, रिस्टोर डाटा, सेपरेट फाइनेंशियल ईयर, डिलीट कंपनी, सिंगल फाइनेंशियल ईयर, तो ये बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी इनका यूज़ हम नहीं करेंगे क्योंकि सबसे पहले हम कंपनी को क्रिएट करेंगे। तो ओपन कंपनी का मतलब होता है दोस्तों, जब अगर आपने बिजी सॉफ्टवेयर में कंपनी ऑलरेडी बना के रखी हुई है तो आप इसे ओपन कर सकते हो। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि ओपन पे हम जाके इंटर प्रेस करेंगे तो जो हमारी लिस्ट ऑफ कंपनी रहती है, जितनी कंपनी हमने ऑलरेडी क्रिएट करके रखी हुई है, तो उसकी लिस्ट यहाँ पर आपके सामने शो कर देगा। लेकिन अब हमें हमारी कंपनी जो नई तैयार करनी है, तो इसके लिए हम क्रिएट कंपनी पर जाएंगे। तो क्रिएट कंपनी पर जाएंगे तो हम हमारी कंपनी का नाम क्या रखेंगे, तो इसके लिए हमने प्रैक्टिकली वाउचर तैयार करके रखे हुए, तो इन प्रैक्टिकल वाउचर के आधार पर हम इसको कंपनी क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों, ये हमारे पास एक श्याम ब्रदर्स का परचेज इनवॉइस है, यानी कि हमने श्याम ब्रदर्स से ये गुड्स परचेज किया हुआ है, तो इसका मतलब हमारी फर्म का जो नाम है वो स्मार्ट एंटरप्राइजेस रहने वाला है। तो हम हमारी जो कंपनी जिस नाम से रजिस्टर्ड होती है, उस कंपनी का नाम हम यहाँ पर नेम में लिखेंगे। तो मैं स्मार्ट एंटरप्राइजेस,
और उसके बाद प्रिंट नेम, तो प्रिंट नेम ही हम सेम नाम ही रखेंगे। और उसके बाद शॉर्ट नेम, शॉर्ट नेम का मतलब अगर आप अपनी कंपनी का शॉर्ट नेम अगर देना चाहते हो, जैसे स्मार्ट इंटरप्राइजेज है तो SE अगर आप शॉर्टकट देना चाहते हो तो दे सकते हो, अदरवाइज आप इसे स्किप करना चाहते हो तो स्किप भी कर सकते हो, तो मैं इसे स्किप कर रहा हूँ मैं। और उसके बाद कंट्री, कंट्री मेरी इंडिया रहेगी। और उसके बाद में स्टेट, तो स्टेट जैसे मैं राजस्थान में हूँ तो मैं राजस्थान को सिलेक्ट करूँगा, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो अपना स्टेट है जो सिलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद में ये फाइनेंशियल ईयर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है जब कंपनी हम क्रिएट करते हैं, और विशेषकर अकाउंट्स के फ्रेश स्टूडेंट के लिए, और विशेषकर ये नॉन कॉमर्शियल स्टूडेंट के लिए भी बहुत बड़ी समस्या रहती है। ये फाइनेंशियल ईयर होता क्या है? तो फाइनेंशियल ईयर दोस्तों हम सबको पता है कि जब अकाउंटिंग का जो नया पीरियड शुरू होता है वो हमेशा 1 अप्रैल से शुरू होता है, और ये कब तक चलता है? 31 मार्च तक। अब इस पीरियड के दौरान कौन सी डेट का वाउचर हमारे पास है या कौन सी ईयर्स कम अकाउंटिंग वर्क मेंटेन कर रहे हैं, तो वो हमें यहाँ पे केयरफुली ध्यान रखना होता है। तो एक बार हम इस इनवॉइस के थ्रू हम समझते हैं कि जैसे ये इनवॉइस हमारे पास आया है श्याम ब्रदर्स का, और इस इनवॉइस की अगर हम डेट देखें तो इस इनवॉइस की जो डेट है वो है 15 अक्टूबर 2020, यानी कि 15 अक्टूबर 2020। तो इसका फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट हो चुका है? 1 अप्रैल 2020 से, और ये कब तक चलेगा? 31 मार्च 2021 तक। तो इसको हम कौन सा फाइनेंशियल ईयर बोलेंगे? 2020-21 का। तो इसका मतलब जो हमारी वर्किंग रहेगी वो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की रहने वाली है, तो हम यहाँ पर 1/4/2020 को ही रहने देंगे। और उसके बाद बुक्स कम्युनिकेशन फ्रॉम, तो इसका मतलब हो गया अभी आपका जो फाइनेंशियल ईयर वो तो 1 अप्रैल 2020 को स्टार्ट हो चुका है, चलो ठीक है, लेकिन आपने बिजनेस कब से शुरू किया है? तो दोस्तों बिजनेस शुरू करने का मतलब हो गया भी अगर आपने इसी सेशन में, यानी कि 2020-21 सेशन के दौरान अगर आपने बिजनेस शुरू किया है और वो कौन सी डेट को शुरू किया है, तो हम चाहें तो वो डेट यहाँ पर लिख सकते हैं। अभी अगर आपका बिजनेस 1/4/2020 से पुराना है, यानी कि आपने बिजनेस वो 2013 में शुरू कर रखा है, लेकिन आप अकाउंटिंग का जो फर्स्ट टाइम कंप्यूटराइज मेंटेन कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर ओल्ड जो डेटा है, यानी कि आपको 2013 वाली जो डेटा वो यहाँ पर देने की ज़रूरत नहीं है, और नहीं यहाँ पर सॉफ्टवेयर इसको एक्सेप्ट करेगा। अब आपकी डेट मान लीजिए आपने अक्टूबर में बिजनेस स्टार्ट किया है 15 अक्टूबर 2020 को, तो आप यहाँ पर अगर 15 अक्टूबर 2020 की अगर डेटा हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इसे 1/4/2020 ही रहने देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 31 मार्च 2021 कहीं पर भी नहीं लिखना है, ये हमें ध्यान रखना है। क्योंकि ये सॉफ्टवेयर को पता होता है कि अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हो चुका है तो 31 मार्च 2021 को ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, यानी कि हमें 31 मार्च की जो क्लोजिंग डेट होती है वो सॉफ्टवेयर में कहीं देने की ज़रूरत नहीं होती है, केवल हमें फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्टिंग होता है वो कौन से फाइनेंशियल ईयर का हम वर्क कर रहे हैं वो स्टार्टिंग डेट हमें देनी होती है। तो मैं इसे यहाँ पे भी स्किप कर रहा हूँ, 1/4/2020 ही रहने देता हूँ मैं। और उसके बाद में एड्रेस, अब एड्रेस यहाँ पर आएगा जिस एड्रेस पे हमारी कंपनी रजिस्ट्रेशन हुआ है, यानी कि स्मार्ट इंटरप्राइजेज का, तो वो हमें कैसे पता चलेगा? तो दोस्तों ये हम हमारी शॉप की लोकेशन के आधार पे भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं, या अगर आपकी कंपनी ने कोई GST नंबर वगैरह ले रखा है तो उस GST का जो सर्टिफिकेट होता है उस सर्टिफिकेट पे भी आपका रजिस्टर्ड एड्रेस है जो मेंशन किया होता है, तो आप वहाँ से भी देख डाल सकते हैं। लेकिन अब हमारे पास एक वाउचर है तो इस वाउचर पे भी हमारा एड्रेस है जो मेंशन किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे इस एड्रेस को भी यहाँ पर लिख दूँगा। और आपकी जो कंपनी है जिस लोकेशन पर रजिस्ट्रेशन है आप वही अपना शॉप नंबर वगैरह या आपकी जो कोई नियर बाई कोई भी आपके लैंडमार्क है वो आप इसमें डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं मेरा एड्रेस एक बार डाल रहा हूँ, और उसके बाद जैसे भी अगर आपका एड्रेस ख़त्म हो जाए तो आप इसका इंटर आप प्रेस करते जाओगे तो जो आपका ये जो कर्सर है आपके नेक्स्ट स्टेप पर चलता जाएगा। और उसके बाद में CIN का मतलब होता है कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर आपके पास जो कंपनी है स्मार्ट इंटरप्राइजेस, अगर ये कंपनी में रजिस्ट्रेशन इसका हुआ है तो आप कंपनी का आइडेंटिफिकेशन नंबर भी आपको मिलेगा, तो आप वहाँ पर वो भी डाल सकते हैं, लेकिन ये कंपनी नहीं है तो मैं इसको भी स्किप कर रहा हूँ। और उसके बाद में ITPAN यानी कि इनकम टैक्स का पैन नंबर जो स्मार्ट इंटरप्राइजेस है, अगर ये सिंगल प्रोपराइटरशिप फर्म है आपकी, यानी कि इसको एक ही पर्सन चला रहे हैं,
तो उस सिंगल पर्सन का जो पैन नंबर है वो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। अगर ये आपकी फर्म पार्टनरशिप फर्म है, यानी कि दो या दो से ज़्यादा पार्टनर इसको मिलकर इस कंपनी को चला रहे हैं, तो आपका पार्टनरशिप फर्म का होता है वो एक पैन नंबर अलग से क्रिएट होगा, वो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो आप अगर अभी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो, इसे आप बाद में भी लिख सकते हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं बिल्कुल एक स्किप इसको अभी कर रहा हूँ मैं, लेकिन जैसे ही हम इसको एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे तो इस इन्फॉर्मेशन को भी हम फिलअप करेंगे भी, इसको फिलअप करना क्यों ज़रूरी है। तो इसके बाद में सारी ये करेंसी इन्फॉर्मेशन आएगी यहाँ पर सारी, भी आप किस तरीके की करेंसी यूज़ करते हो। हम इंडियन करेंसी यूज़ करते हैं आरएस रुपीज़ में, तो रुपीज़ रहेगी यहाँ पे, पैसा भी हम यूज़ करते हैं साथ में। और उसके बाद में करेंसी का जो कैरेक्टर होता है, जो हमारा लोगो, वो भी यहाँ पर आएगा। और उसके बाद में इनेबल जीएसटी या वैट। तो दोस्तों अगर आप 1 जुलाई 2017 से पहले की अगर कोई अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हो तो आप वैट में थे, लेकिन उसके बाद में तो जीएसटी इनेबल हो गया, तो आप इसे जीएसटी में ही हम इसे रखने वाले हैं। तो आपके सामने दोनों ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, भी आप वैट में वर्किंग कर रहे हो या जीएसटी का। तो हम 15 अक्टूबर यानी कि 2020 में वर्क कर रहे हैं, तो जीएसटी है, तो इसमें जीएसटी सेलेक्ट करूँगा। सेस हमारा लगता नहीं है इस पर अभी भी, और यहाँ पर जीएसटी नंबर, यानी कि अगर आपके पास स्मार्ट इंटरप्राइजेस कंपनी है, इस पर जो जीएसटी नंबर आपने लिया हुआ है वो जीएसटी नंबर आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हो। तो मेरा जीएसटी नंबर भी यहाँ पर आया हुआ है, ये मैंने एक डम्मी के रूप में यहाँ पर डाला हुआ है, तो मैं इसी को यहीं से कॉपी कर लूँगा, तो यहाँ पर मैं रखूँगा। और उसके मैं टाइप ऑफ डीलर, अब टाइप ऑफ डीलर में ये दो ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, भी आप रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड हो या कंपोजिशन स्कीम में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो दोस्तों इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इस पर भी मैंने वीडियो ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं, जब ये टेली की सीरीज हमारी चल रही है तो उसके बहुत सारे ये वीडियोज़ के बने हुए, रेगुलर और कंपोजिशन में क्या डिफरेंस होता है। लेकिन अब हम जो वर्क जो करेंगे वो एक रेगुलर डीलर का ही कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं एक बार रेगुलर डीलर ही सिलेक्ट करूँगा। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसके लिए आप हमारा वीडियो ज़रूर देखें, और उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, और ऊपर आपको आई बटन पर भी मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं इसको रेगुलर सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा, और उसके बाद में हमें दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, भी डिफ़ॉल्ट टैक्स रेट, टैक्स रेट 1 और यह टैक्स रेट 2। अब इनका क्या मतलब होता है, डिफ़ॉल्ट टैक्स रेट 1 यानी कि आप स्मार्ट इंटरप्राइजेज में केवल एक ही टाइप की आप टैक्स रेट का सामान सेल करते हो या दो टाइप का करते हो। मतलब भी अब जैसे जीएसटी हमारा एक 5% भी गुड्स पे लगता है, 12% भी है, 18% भी है, और 28% का भी जीएसटी लगता है। लेकिन इन चार टैक्स में से किसी भी दो टाइप का अगर आप टैक्स यूज़ करते हो तो यहाँ पर आप बाई डिफ़ॉल्ट इसे सेट कर सकते हो। यानी कि अब आप मान लीजिए आपके पास कंपनी है, आप 5% और 12% दो ही टाइप के गुड्स परचेज और सेल करते हो, तो आप यहाँ पे 5% और 12% ऑलरेडी यहाँ पे फिक्स करके छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आपके मल्टी अकाउंटिंग आप मेंटेन करते हो, यानी कि आपकी बुक्स में आप टैक्स फ्री का भी सामान आप सेल करते हो, 5% वाला भी सेल करते हो, 12 वाला भी है, 18 वाला भी है, और 28 वाला भी है, तो आप यहाँ पर डिफ़ॉल्ट टैक्स रेट में कोई भी सेट मत करो, इन्हें एज इट इज़ यानी कि 0-0 ही रहने देंगे हम। ये होता है किसी सिंगल टाइप का या दो टाइप के अगर आप टैक्स यूज़ करते हो अपने बुक्स में, तो अगर आप दो भी करते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा भी यहाँ पर आप किसी भी टाइप का टैक्स रेट है जो बाय डिफ़ॉल्ट सेट ना करें। और उसके बाद में ये कॉपी मास्टर कॉन्फ़िगरेशन, यूज़र फ्रॉम एग्जिस्ट कंपनी, तो ये सब कुछ ऑप्शन रहेंगे एक दूसरे का डाटा कॉपी करने के लिए। लेकिन अब हमें एक बार इसे नोट रिक्वायर्ड पे ही क्लिक करके इसे सेव करेंगे। जैसे आपकी कंपनी में सारा डाटा अगर आपने इन्फॉर्मेशन कर दिया हो, सारा फिलअप कर दिया हो, तो आप इस पर सेव पर क्लिक करेंगे। तो मैं सेव पर क्लिक करूँगा और ये सेव दिस इन्फॉर्मेशन यस, तो यहाँ पर इसकी जो प्रोग्रेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये धीरे धीरे कंपनी जो क्रिएट हो रही है। तो दोस्तों जैसे ही आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी तो आपके पास ये कॉन्ग्रेचुलेशन का एक मैसेज आएगा, बी कंपनी हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, इन द नेक्स्ट स्क्रीन यू विल बी प्रोमोटेड टू द क्रिएट
सुपर यूज़र फॉर दिस कंपनी, यानी कि अगर आप अपनी कंपनी पे यूज़र आईडी और पासवर्ड लगाना चाहते हो तो आप अपना नेक्स्ट स्टेप है उसे आप फॉलो करना पड़ेगा। तो इसे मैं ओके करूँगा। तो ओके करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आएंगे हमारे पास, बी यूज़ ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड बी सुपर यूज़र नेम पासवर्ड और रीचेक पासवर्ड। यानी कि अगर आप अपने स्मार्ट एंटरप्राइजेस कंपनी पे पासवर्ड आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड आपको देना पड़ेगा। अगर आप पासवर्ड नहीं लगाना चाहते हो तो आप इस यस की जगह हम इसको एन यानी कि नो कर देंगे। तो मैं इस पर पासवर्ड लगाऊंगा तो इसे यस करूंगा। तो जैसे यस करूंगा तो यहाँ पर यूज़र नेम, मैं यूज़र नेम मैं कुछ भी दे देता हूँ और इसके बाद में पासवर्ड, यानी पासवर्ड रिपीट के लिए मतलब डेमो के लिए 123 कर दिया और रीचेक में भी मैं 123 यानी कि रिपीट एक बार करना पड़ेगा और उसके बाद में सेव। तो जैसे सेव करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से विंडो ओपन होके ये सेव हो जाएगा और उसके बाद में ये फीचर्स एंड ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, ये विंडो आपके सामने ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। तो अब स्टार्टिंग में अगर आप किसी टाइप की कॉन्फ़िगरेशन आप सेटिंग करना चाहते हो, इन्वेंट्री संबंधित या अकाउंट से संबंधित, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप यस या नो कर सकते हो। लेकिन हम बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत कर रहे हैं तो इस विंडो को अभी एक बार मैं स्किप कर रहा हूँ, यानी कि इसको एग्जिट करूँगा मैं। तो अब यहाँ पर हमारी कंपनी है जो क्रिएट हो चुकी है, जो प्रेजेंट टाइम में कंपनी ओपन रहती है उसका नाम आप दो जगह देख सकते हो। एक तो आपको इसी स्क्रीन के यहाँ पर आपको दिखेगा बी स्मार्ट एंटरप्राइजेस, और इसका फाइनेंशियल ईयर 2020-21 है वो भी इसके साथ रहेगा, और एक इसके ऊपर हेड पे टाइटल बार पे भी आपको नाम यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर ये था अभी तक हमारा प्रोसेस कंपनी क्रिएट करने का, और इसके बाद जो प्रोसेस शुरू होता है हमारा फर्स्ट ऑप्शन वो होता है लेज़र क्रिएट करना। तो लेज़र क्रिएट करने के लिए आप ऊपर इसके मेन्यू बार आप देख सकते हो, यहाँ पे कंपनी एडमिनिस्ट्रेटर ट्रांजैक्शन डिस्प्ले प्रिंट ईमेल ये सब कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको लेज़र क्रिएट करने हैं यानी कि अकाउंट्स बनाने हैं जो हम बुक्स में यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटर पर, और जैसे ही एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हमें फर्स्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा मास्टर्स का, और इस मास्टर्स पर हम एंटर प्रेस करेंगे तो इसमें काफ़ी इसके सब ऑप्शन जो वो ओपन हो जाएंगे। भी अगर आप अकाउंट्स को क्रिएट करना चाहते हो, लेज़र क्रिएट करने हैं आपको, तो आप अकाउंट्स पे जाओगे। अगर आपको कोई स्टॉक आइटम क्रिएट करनी है तो इसके लिए आप स्टॉक आइटम पे जाओगे। कोई ग्रुप क्रिएट करना है या यूनिट क्रिएट करनी है, कोई बिल सैंडरी ऐड करना है या कोई बिल ऑफ मटेरियल आपको क्रिएट करना है, तो सब ऑप्शन आपको इस मास्टर्स के मेन हेड में आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं अकाउंट्स क्रिएट करने, और अकाउंट्स क्रिएट करने के बाद और तीन ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसा आप टेली में देख रहे हो वहाँ पे आपको क्रिएट डिस्प्ले और अल्टर ऑप्शन देखने को मिलते हैं जब आप लेज़र क्रिएट करते हो, तो सेम वही फंक्शन बीजी में भी है, ऐड मॉडिफाई और लिस्ट। ऐड का मतलब आप नया लेज़र क्रिएट करो, मॉडिफाई का मतलब कि आपने जो ऑलरेडी लेज़र बना रखा है उसमें अगर आपको किसी भी टाइप की कोई एडिटिंग करनी है, कोई चेंजिंग करनी है, तो आप मॉडिफाई पे जाओगे। और उसके बाद में लिस्ट, और लिस्ट का मतलब जितने आपने लेज़र बना रखे हैं उसका मतलब आप उसकी लिस्ट है जो वन टाइम देख सकते हो। जैसा कि टेली में एड मतलब क्रिएट हो गया, अल्टर का मतलब मॉडिफाई हो गया, और डिस्प्ले का मतलब लिस्ट हो गया। तो दोस्तों टेली में और बीजी में एक डिफरेंस ये भी है कि जब हम टेली में कंपनी क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर केवल दो ही लेज़र टेली सॉफ्टवेयर है जो ऑटोमेटिक हमें बना के देती है, कैश का और प्रॉफिट एंड लॉस काउंट का। लेकिन बीजी जो सॉफ्टवेयर है ये काफ़ी सारे लेज़र हमें क्रिएट करके दे देती है। आप लिस्ट पर अगर आप जाके देखोगे, स्क्रीन पर देखेंगे हम स्टैंडर्ड और ऑल काउंट्स पे क्लिक करेंगे, तो आप ये देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी सारी लिस्ट इन्होंने लेजर्स के जो बना के ऑलरेडी रखी हुई है। बैंक चार्जेस है, केस का है, कैपिटल इक्विपमेंट है, SGST CGST की, ये सब कुछ जो लेज़र यहाँ पर बिजी सॉफ्टवेयर है जो ऑलरेडी बना के रखता है। क्योंकि बिजी सॉफ्टवेयर अपने कस्टमर को ये एक बेनिफिट देना चाहता है भी, क्योंकि जो भी बिजनेस करेगा उसको CGST लेज़र की भी ज़रूरत पड़ेगी, उसको कंप्यूटर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, उसने जो बिज़नेस में एक्सपेंसेस के जो लेज़र क्रिएट करने होते हैं उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। तो वो एक कस्टमर को इस चीज़ का एक बेनिफिट देना चाहता है भी आपको अलग से लेज़र क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, हमने आपको ये सब कुछ लेज़र जो ऑलरेडी रेडीमेड तैयार करके दे दिए हैं। लेकिन ये एक फ्रेशर स्टूडेंट के लिए बहुत ही फ़ायदे वाली बात नहीं है, मैं तो यही मेरा मानना तो यही है,
क्योंकि जब नए स्टूडेंट को ये नहीं पता भी बैंक चार्जेस क्या होता है, CGST क्या चीज़ होती है, SGST क्या चीज़ है, डेप्रिसिएशन क्या चीज़ है, कंप्यूटर क्या चीज़ है, ये कन्वेंस एक्सपेंसेस जो लेज़र बना के रखे हुए हैं इसका मतलब क्या होता है। तो ये एक फ्रेशर स्टूडेंट के लिए बहुत सारा एक स्टार्टअप है, एक हाई लेवल की क्लास यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन हम इसको इग्नोर करेंगे। हम जितने भी लेज़र हैं वो सब क्रिएट करेंगे अपने हाथों से, हम जो बने बनाए जो लेज़र हैं इस पर किसी भी टाइप का हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता भी कौन सा लेज़र किस तरीके से बनता है और उसका अंडर जो ग्रुप है वो कौन सा हमें रखना चाहिए। तो ये हमारे, हालांकि ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहती है जो अकाउंट्स के परफेक्ट होते हैं, जिन्हें अकाउंटिंग का नॉलेज बहुत प्रैक्टिकली रूप से अच्छा नॉलेज है, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद चीज़ है, उनका ये लेज़र बनाने में जो टाइम है वो बच जाता है। लेकिन फ्रेश स्टूडेंट को लेज़र है जो मैं सजेस्ट करूँगा वो रेडीमेड जो बनाए हुए लेज़र हैं उस पर ध्यान न दें, वो अपने दिमाग से लेज़र बनाएं और अपने माइंड से उसका ग्रुप है जो सेलेक्ट करें। तो लेज़र बनाने के लिए हम ऐड पर जाएंगे और जैसे ही हम ऐड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें नेम पूछेगा और जनरल इन्फॉर्मेशन में तो नाम हमें देना पड़ेगा। तो नाम सबसे पहला जो लेज़र हम क्रिएट करेंगे वो फर्म के प्रोप्राइटर का लेज़र हम क्रिएट करेंगे। अब जैसे स्मार्ट एंटरप्राइजेज है तो स्मार्ट एंटरप्राइजेज में जो इसका प्रोपराइटर है या जो इतने भी इसके पार्टनर है तो सभी पार्टनर के लेज़र हमें क्रिएट करने पड़ेंगे। अगर कोई सिंगल इसका मालिक है तो उस मालिक का भी लेज़र हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो जैसे मैं यहाँ पर इसका नाम रख देता हूँ सुमित, तो ये मेरे लिए इस स्मार्ट एंटरप्राइजेज का प्रोपराइटर है यानी कि इसका मालिक है। एलिज यानी कि उपनाम इसका अगर कोई रखना चाहते हो, शॉर्ट नाम जिसको हम बोल देते हैं, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, अदरवाइज इसे स्किप भी कर सकते हो। तो प्रिंट नेम में भी हम सुमित सुथारी रखेंगे और ग्रुप। अब अकाउंटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट इनका बहुत एक योगदान रहता है भी आपने जो लेज़र क्रिएट किया है उसको आप कौन से अंडर ग्रुप में रखना चाहोगे। ये ग्रुप्स जो आता है ये ग्रुप्स बहुत एक महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के लिए, यानी कि आपने जो लेज़र क्रिएट किया है उस लेज़र का सही ग्रुप क्या होगा उसका सिलेक्शन आपको करना है। अब बिजी सॉफ्टवेयर में आप देख सकते हो आपके सामने लिस्ट ओपन करके रख दिए, अब इसको ये नहीं पता भी सुमित सुथार कौन है। अब ये सुमित सुथार इस बिजनेस का कस्टमर भी हो सकता है, सप्लायर भी हो सकता है, मालिक भी हो सकता है, इसका एम्प्लॉय भी हो सकता है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए भी सुमित सुथार रखना आपने जो लेज़र क्रिएट किया है वो लेज़र किसके यानी कि कौन से ग्रुप के अंडर में आएगा। अगर ये दुकान का मालिक है तो जो दुकान का प्रोपराइटर होता है वो हमेशा कैपिटल अकाउंट के अंडर में आता है। तो बहुत सारे जो नए स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ पे नाम की जगह भी कैपिटल अकाउंट ही लिख देंगे और उसका अंडर ग्रुप है वो भी कैपिटल अकाउंट सेलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर जो दुकान का जो प्रोपराइटर का जो नाम होता है वो पर्टिकुलर नाम यहाँ पर लिखा जाता है, न कि कैपिटल। कैपिटल उसका ग्रुप है, वो ग्रुप हमें सेलेक्ट करना है यहाँ से। तो दोस्तों कौन सा लेज़र किसके ग्रुप में जाएगा इसका लिंक मैंने एक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक PDF फाइल मैंने बनाई हुई है, आप उस PDF फाइल को डाउनलोड आप जरूर कर लेना। उसमें मैंने कौन सा लेज़र आप क्रिएट करोगे तो उसका कौन सा ग्रुप हमें सेलेक्ट करना चाहिए वो सब कुछ इसकी डिटेल उसमें दी हुई है। तो एक बार उस PDF को आप जरूर देख लें। तो मैं इसे कैपिटल अकाउंट सेलेक्ट करूँगा और ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस हमें कब यहाँ पर लिखना होता है, ओपनिंग बैलेंस का मतलब हो गया भी अगर आपका बिजनेस इससे पुराना चल रहा है यानी कि हमने जो शुरुआत करी है इस बुक्स की वो 1/4/2020 से करी है, यानी कि आपका जो इसका जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर था 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक का, और 31 मार्च 2020 का जो क्लोजिंग बैलेंस था सुमित सुतार का यानी कि इसके प्रोपराइटर का जो बैलेंस शीट में जो नाम आता है उसका जो क्लोजिंग बैलेंस था वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस आ जाता है। लेकिन हमने तो शुरुआत इसी ईयर से करी है तो ओपनिंग बैलेंस का तो हमारे पास कोई सवाल ही नहीं है, तो हम ओपनिंग बैलेंस को 0 रखेंगे। और ये होता है प्रीवियस ईयर यानी कि उससे ही 18-19 का अगर आपके पास कोई क्लोजिंग बैलेंस है तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। और यहाँ पर सुमित सुधार का एड्रेस जो प्रोपराइटर का है, किसी कस्टमर का एड्रेस जो भी हम यहाँ पर देना होता है वो हम यहाँ पर देंगे, लेकिन एड्रेस इसका कोई प्रोपराइटर का नहीं होता, वो जो बिजनेस का जो प्रोपराइटर होता है वो होता है। अगर आप इसके होम एड्रेस हम डालना चाहते हैं रेजिडेंस का तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो GST नंबर प्रोपराइटर का भी नहीं होता, वो एक केवल फर्म का होता है। तो हम इसे सब कुछ इग्नोर करते हुए इसे हम स्किप करेंगे और इसे सेव करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से ये हमारा लेज़र है जो क्रिएट हो चुका है।
तो दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे पास ये प्रैक्टिकल वाउचर्स जो अवेलेबल हैं, इन वाउचर्स के आधार पर हम सभी लेज़र को क्रिएट करेंगे और इसी आधार पे हम जो स्टॉक आइटम हमारे पास आई है जो हम इसको रीसेल करेंगे, उन स्टॉक आइटम्स की भी हम क्रिएट करेंगे, उनका सही ग्रुप का सिलेक्शन भी हम करेंगे, क्योंकि अगर ये सब कुछ इसी वीडियो में करेंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो दोस्तों ये आज की वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक शेयर भी ज़रूर कर देना। तो दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम इसको बिजी किए के बिल्कुल जीरो लेवल से लेके एडवांस लेवल तक की हम सीरीज़ जो स्टार्ट कर चुके हैं। इसमें आपको अब डेली टू डेली वीडियो मिलेंगे और स्टेप टू स्टेप आपको प्रैक्टिकल अकाउंट सीखने को भी मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।